वणक्कम गाइस एप्पर किंगा एम्पायर मोहित इन योर वॉच योर फेवरेट रिएक्शन ऑफ वाईसी 5 रिएक्शन. सो गाइस मैं फिर से आ चुका हूं अपनी मॉम के साथ विद द बेस्ट थ्रिलर ऑफ तमिल सिनेमा रत्सासन राजासन. एंड मॉम हमने लास्ट सीन देखा था, बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन था वो. जिस तरह से मतलब वो है ना लड़कियों के साथ ही क्यों इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, और सच में लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा क्राइम होता है आजकल. भाई देखो क्राइम तो क्राइम है आजकल, लड़कियां क्या बच्चों मतलब बच्चों का ऊपर बहुत मुसीबत है. हाँ, कोई भी सेफ नहीं है आजकल. हाँ, मतलब बहुत क्राइम बहुत ज्यादा हो चुका है. और वो जो साइको टीचर का वो और ये जो क्राइम का जो मतलब ये जो तरीका है ना. हाँ, ये बहुत विभत्स रूप है समाज का, एक बहुत विभत्स. ये सही में. और हमने अभी तक जितनी मूवी देखी उससे हमको उस टीचर पे शक जा रहा है, क्योंकि वो टीचर की जो हरकतें हैं वो वैसी लग रही है जिस तरह से वो साइको तरह वो कितना ज्यादा लड़की को हार्म करता है. फिर वो मतलब अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है. सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पार्ट 3 रत्सासन मूवी का. देखते हैं क्या होता है आगे, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है हमें. सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन ऑन द नेक्स्ट सीन फ्रॉम दिस मूवी. उसके बाद आगे बात करेंगे. लेट्स गो. खड़ी यार इतने सुनसान एरिया में. नहीं नहीं ऐसे मत बोलो यार. इसमें क्राइम ही क्राइम है. पुलिस वाला आ जाए देखते हैं ना. अच्छा इसने ऑटो का बोला था ना यार. पीछे ही पड़ गया. पुलिस वाला हूँ अपना. भाई साहब हीरो की तरह मारता है हमारा डायरेक्टर. इनको डंडे पड़ने ही चाहिए. बट ही कैन फाइट मैन. उसको मजा आ रहा है. अच्छा लड़की मॉल में मिली थी ना, वो चोरी कर रही थी. हाँ हाँ वही तो है बच्ची. हाँ हाँ उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में. हॉट आला फोकट में बीच में आ रही है जबरदस्ती में. अच्छा इसको पता ही नहीं था. अच्छा शी सिंगल. ही इज अ पुलिस ऑफिसर. अच्छा अम्मू इसकी वो भांजी. इससे पूछ लिया था. भांजी भांजी जो इसके स्कूल में पढ़ती है उससे पता करा. इससे ना वो स्टूडेंट है ना उसकी भांजी स्कूल में. हम्म
She's so cute. फिर ले गया घुमाने. चलो थोड़ा तो लाइट मूवी हुई. सो गई थी पट्टू. अच्छा अब रेडी हो गई. पहले मान नहीं रही थी ना जाने के लिए साथ में. स्टार कहाँ से है भाई? यार ये जो ट्यून है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कितना स्केरी है. वो स्टार बना हुआ था ऑटो के ऊपर, याद आया इसको. हाँ फोन आया होगा इसके पास. पंक्चर हो गया. मीरा की बॉडी मिली. उसको आवाज नहीं आ रही ढंग से. जो मीरा खोई थी ना स्कूल से उसी में बिठाई है. उसकी बॉडी मिली. नहीं ये बोल रहे उसकी वो उसके पहले. हाँ हाँ मतलब वो भी गई, वो भी गई, तीसरी भी गई. वो टीचर टीज कर रहा तो वो ले. हाँ उसको नहीं, वो दूसरी थी जो गिफ्ट लेके आई थी इसके लिए. ऑटो ये वही है. ओए होए पीछे पड़ेगा उसके. पता लग गया ऐसे. भाग भाग भाग. जो वो लड़की नहीं थी. हाँ हाँ समझ गया उसकी फ्रेंड. हाँ हाँ जो वो रिकॉर्ड करवा रही थी उसकी टीचर से वही लड़की गायब हो गई. ओ भाई साहब डेड बॉडी मिली है उसकी बेचारी की. बस छेड़ता है लड़कियों को. इनबराज कौन है अब देखते हैं. ही इज अ स्कूल टीचर. हां इन द स्कूल वाले ना बोल रहे हैं
एड्रेस बताया उसने उसका। आ गया उस मास्टर के घर पे आ गया भाई। और मास्टर कौन है मेरे को तो उस वही लग रहा है। ना वही तो है मास्टर। हाँ चुपचाप से पहले चेक करेंगे कि क्या कर रहा है। उसे घर पहुंच गए मास्टर के टीचर के। ये रहा इसकी बेटी पढ़ती है ना वहां पे जो लेके आया था उसको। थर्टी फाइव परसेंट से कम किसके मार्क्स आए? इसकी पुलिस वाले की बेटी है। ओए मीरा का स्कूल बैग मिला है इसी जिसकी डेड बॉडी थी ना। प्रूफ्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे तो। डॉल भी मिल गई। डॉल भी भाई साहब विश्व देखा नहीं जाता है भाई। और फिर पकड़ लेगा इसका हाथ वास। ओए फिर हाथ पकड़ लिया भाई। स्कूल जा रहे फटाफट यार। ओए सारी गर्ल्स हैं इसमें है ना। हाँ। गर्ल स्कूल है। मैं पहुंच रहे हैं वहां पे स्कूल में। मैं स्कूल में आप रंगे हाथ भी पकड़ लेंगे। अच्छा इसको डर नहीं है कि ये पुलिस वाले की बेटी है। पता तो हो गई। आ जाओ भाई आ जाओ। इसकी हंसी कितनी गंदी है। गुस्सा आ रहा है मैं उसको देख के इसका चश्मा तोड़ दूं। पहुंच गई पुलिस पहुंच गई। ट्यूशन सेंटर। अच्छा बोला है कि स्कूल के बीच में नहीं नहीं ट्यूशन सेंटर पे पहुंच गया। स्कूल खत्म हो गया है वो कह रहा है। अच्छा ट्यूशन सेंटर वो लड़की बता देगी। बता दी उसी ने बताया बता पहले वाली ने। यस हार्ट हार्ट यस
यही गोली मार इसके। गोली नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए इसको। जिस मुश्किल से इसने मारा है ना उसको, ओ तेरी भाई साहब। एनकाउंटर ही कर दिया इसका तो, फिनिश। हट साला, अभी मारा नहीं, अभी मारा नहीं है, अभी तो इसको अभी गोली मारी भी नहीं, गोली मारी नहीं, मारी कोई देख तो नहीं रहा हूँ कुछ, गोली से नहीं मारेगा इसको, तड़पा तड़पा के मारेगा, ये तड़पाएगा इसको, तड़पा नहीं चाहिए। इसके अलग ही रोने रो रहा है ये, अच्छा एक्साइटमेंट चीज है। अच्छा मिला दिया दवाई वही मिला रहा कुछ, पर ये तो कह रहा है कि इसने मारा ही नहीं लड़की को, किसी भी लड़की को नहीं मारा वो तो देखे, देख लिया इसने, देख लिया। अच्छा तभी स्कूल बैग भी मिला, स्कूल बैग वहीं छूट गया था इसका, भाग गई है। यहाँ से तो बच गई थी वो, ओए अपने गिफ्ट यहाँ आ गया। ये तो मना ही कर रहा है साफ साफ, बोल रहा है अभी भी झूठ बोल रहा है, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट। सो गाइस दिस वाज द सीन एंड बहुत ही
इंटेंस सीन था फिर से, और मतलब ये अब है ना ये इंद्राज जो था इसका तो पर्दाफाश हो गया और इसको तो सजा मिल गई। पर अभी ये स्टोरी क्रिएट कर रहा है, अभी ये बोल रहा है कि मैंने लड़कियों को नहीं मारा है, जितनी भी चार लड़कियां जो मर्डर की गई है वो कह रहा है मैंने मर्डर नहीं करा है। एंड ये तो बोल रहा है, ये अपनी स्टोरी क्रिएट करके बता रहा है कि वो लड़की वहां से भाग गई थी मीरा, एंड वो मीरा वहां से भागी और फिर मीरा की सीधा डेड बॉडी मिली गार्बेज में, और सीधा गिफ्ट पैक मिल गया, गिफ्ट पैक वहां पे मिल गया। तो जब भी किसी लड़की का अगवा किडनैपिंग होती है उससे पहले वहां पे गिफ्ट पहुंच जाता है और वो डॉल पहुंच जाती है। तो वो फिर क्या सीन है, और वही डॉल मतलब जहाँ पे जो गिफ्ट मिला उसको इंद्राज के घर पे गिफ्ट था वही डॉल होगी वो, और वही डॉल उसके घर पे मिली और वो स्कूल बैग मिला। सो ये जो किस तरह से मिस्ट्री क्रिएट हो रही है एंड अभी तक हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं लगा है कि किलर कौन है। एंड बहुत ही इंटेंस मूवी जा रही है और बहुत आगे और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है ये मूवी देखने की, है ना। यार मैं तो भूल ही गई थी मूवी देख रही हूँ, और ये मतलब मैं तो खो ही गई थी और एकदम से तूने बंद किया नहीं तो मतलब समझ ऐसा लग रहा था कि और बड़े और आगे पता चले क्या है आगे। सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन एंड वी आर डेंजरस क्रिएट किया गया, वी आर टोटली स्पीचलेस गाइस, हमको समझ नहीं आ रहा हम कैसे हमारा रिएक्शन दें, कैसे क्रिएट करें हमारे वर्ड्स कैसे बोले हम, क्योंकि भाई हमको पता ही नहीं चल रहा हम इतने ज्यादा खो रहे हैं मूवी में। इट्स सो थ्रिलर एंड मतलब ये है ना बिल्कुल रिलेटेबल चीज हो रही है, जो भी दिखता है जो भी लाइफ में होता है वो सारी इस मूवी में दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक मूवी है, सो डेंजरस एंड मस्ट वॉच मूवी टू एवरीवन, कोई भी हो नॉर्थ साउथ हॉलीवुड कोई भी हो भाई सब बॉलीवुड टॉलीवुड, ये मूवी देखना मस्ट वॉच है सभी के लिए। सो गाइज दिस वॉज आर रिएक्शन फॉर टुडे, विल सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रिएक्शन लाइक दिस, बाय बाय गाइज।